दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ सदियों सदियों तक जंगल में यूं ही पनपते रहते हैं। एक बार की बात है कि दो मित्र जंगल में घूमने गए हुए थे। अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है, लेकिन वो शेर एक लोमड़ी का शिकार कर रहा होता है। यह देख पहले मित्र के मन में दया जाग जाती है, क्योंकि वह बड़ा ही दयालु था। वह अपने मित्र से कहता है कि मित्र, हमें उस लोमड़ी को बचाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही कमजोर है और वह शेर का मुकाबला भी नहीं कर सकती। शेर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह सुन दूसरा मित्र अपने मित्र से कहता है कि मित्र, अगर तुम उसे बचाने जाओगे तो तुम लोमड़ी के लिए तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन उस शेर की नजर में तुम बुरे बन जाओगे और आखिर वो शेर भूखा है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगे? तो यहां पर सवाल ये उठता है कि हम जहां पर किसी का फायदा कर रहे हैं, वहीं पर हम किसी का न चाह कर भी नुकसान भी कर रहे हैं। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा, तो ऐसे में हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, अच्छाई का या फिर बुराई का? और अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं तो वो किस तरह से बने ताकि किसी और को हमारी अच्छाई से, हमारे अच्छे कर्मों से तकलीफ ना पहुंचे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बस इसी पर आधारित है कि हमें अच्छा बनना चाहिए या फिर बुरा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक गुरुकुल था, जहां बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए जाया करते थे और साथ ही साथ वो वहीं पर रहा भी करते थे। गुरुकुल में रहकर वो वहां की प्रकृति का आनंद भी लिया करते थे और अपनी पढ़ाई भी किया करते थे। ठीक ऐसे ही एक छोटा सा बालक जिसका नाम था मोहन, ये बच्चा बेडवन गांव में रहा करता था, लेकिन इसके माता पिता इसे बचपन से ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद वह बच्चा अपने मित्रों के साथ रोज गुरुकुल में अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण कर रहा था और उसे जीवन के सिद्धांत भी सिखाए जा रहे थे। इन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी था कि हमें हमेशा भलाई के काम करने चाहिए। वह बच्चा ये सब कुछ सीख रहा था कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई करनी चाहिए। आखिरकार वो एक बच्चा ही था और उसके मन में ये ज्ञान बड़ी ही गहराई में बैठ गया था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, उसके मन में ये शिक्षा अभी भी गहराई में बैठी हुई थी। गुरुकुल से अपनी पढ़ाई पूरी कर वो वापस अपने गांव लौटा। गांव में वो लोगों की मदद किया करता था, निस्वार्थ भाव से भलाई में जुट गया था। गांव का कोई भी व्यक्ति अगर उसे कोई भी काम कहता था तो वो उसे मना नहीं करता, बल्कि उस काम को पूरा कर देता था। उसे ये सब करके बड़ी ही शांति मिलती थी, उसके मन को बड़ा ही आनंद मिलता था, उसे सभी के काम करके बड़ी ही खुशी मिलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह लड़का गांव से होते हुए कहीं जा रहा था, अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी और जैसे ही उसने वो आवाज सुनी, वो वहां पर छुपकर वो सारी बातें सुनने लगा। उसे ये पता चला कि लोग उसके इस अच्छेपन का, उसके इस सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं, लोग उसका मजाक बना रहे हैं। वे लोग कह रहे थे कि जितना हो सके उसका फायदा उठा लो, क्योंकि वो किसी के काम को मना नहीं करता, बल्कि वो दूसरों का काम करने के लिए अपने काम भी छोड़ देता है। अब ऐसा मूर्ख भला हमें कहां मिलेगा?
जो सिर्फ दूसरों की मदद करता हो और अपने कामों पर ध्यान तक नहीं देता। ये सब सुन मोहन के दिल को एक गहरी चोट सी लगी। जो लड़का निष्पक्ष भाव से लोगों की मदद किया करता था, लोगों की इतनी मदद करने के बाद भी भला उसे क्या मिला? यह सब सुन मोहन को बड़ा क्रोध आया। उसका दिल सहम सा गया, वो बहुत दुखी सा हो गया। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा ही क्रोध आने लगा। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि आज से और अभी से वो किसी की मदद नहीं करेगा। उसने ये निश्चय कर लिया था कि अब उसे कोई भी मदद के लिए पुकारेगा तो वो कभी भी आवाज नहीं देगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता, लोग उसकी मदद चाहते थे, लेकिन अब वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो कभी भी किसी की भी परेशानियों में उसकी मदद नहीं करता था। फिर भला वो व्यक्ति या फिर कोई भी कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो, मोहन ने अपने दिल को कठोर सा बना लिया था और अब उसे इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन को इस तरह से देखकर गांव के सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए कि जो लड़का हम सभी की बिन मांगे निष्पक्ष भाव से मदद किया करता था, आज उसे ऐसा क्या हो गया है? वो भला इतना निर्दयी और इतना कठोर कैसे बन गया? गांव वालों के साथ साथ उसके माता पिता भी यह देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मोहन के अंदर अचानक ये सारे बदलाव कैसे हो गए। वो सभी बड़ी ही चिंता में थे। किसी तरह से हिम्मत करके मोहन के माता पिता ने मोहन से पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना कैसे बदल गए हो? तुम तो लोगों की मदद किया करते थे, फिर भला तुम्हें ऐसा क्या हो गया है कि तुम किसी भी परेशानी में किसी की भी कोई मदद नहीं करते हो? इस पर मोहन कहता है, पिताजी, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ भी हासिल नहीं होता। केवल लोग आपका मजाक बनाते हैं, लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। लोगों को लगता है कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा ही नहीं। मैं ये सब देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ और मैं इन्हें महसूस भी कर चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में उस गुरुकुल से जितनी भी शिक्षाएं ग्रहण की थी, वे सभी आज बेकार सी नजर आ रही हैं, बेकार लग रही हैं, जो पूरी तरह से व्यर्थ हो गई हैं। क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है, ये किसी के लिए नहीं सोचता। अगर यहाँ सच्चे दिल से कोई किसी की मदद करना भी चाहे तो ये लोग उसे करने नहीं देते। उसे मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। ये कहते कहते मोहन की आंखें भर आईं। उसके माता पिता और मोहन सभी उस वक्त रोने लगे। इतना सब कुछ कहकर मोहन वहां से चला गया। इसके बाद से मोहन बड़ा ही शांत रहने लगा था, बड़ा ही चुपचाप और परेशान रहने लगा था। यह सब देख उसके माता पिता बड़े ही चिंतित रहने लग गए थे। उन्हें अपना पहले वाला वही मोहन चाहिए था जो लोगों की हंसता खिलखिलाता मदद किया करता था, लोगों की मदद करके उसे खुशी मिला करती थी। लेकिन अब मोहन मन ही मन इन सब चीजों से कहीं दूर निकल चुका था और धीरे धीरे हालात भी बिगड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। उसके माता पिता और मोहन सभी लोग बड़े ही चिंतित रहने लग गए थे। तभी एक दिन मोहन के माता पिता को ये पता चला कि पास ही के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बड़े ही ज्ञानी हैं, जो बड़े ही महान हैं और वो मानव स्वभाव को लेकर के बहुत कुछ ज्ञान बांटते रहते हैं। यह सब सुन मोहन के माता पिता के मन में उम्मीद का एक और दिया जगमगा उठा। उन्होंने तय किया कि वो अपने बेटे को लेकर के उन बौद्ध भिक्षु के पास जाएंगे और वहां पर उनसे सारी बातें बता देंगे।
अगले ही दिन सुबह सुबह मोहन और उसके माता पिता उन बौद्ध भिक्षु के पास चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मोहन और उसके माता पिता उस गांव में कदम रखते हैं, तो एक आदमी उन बौद्ध भिक्षु के बारे में बहुत कुछ गलत अपशब्द कह रहा होता है, उन्हें बहुत ही खरी खोटी सुना रहा होता है। वो कह रहा होता है कि इसे शर्म नहीं आती, इतना हट्टा कट्टा है फिर भी भीख मांगता है, सुबह सुबह दरवाजे पर आ जाता है, और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें वो उन बौद्ध भिक्षु को सुना रहा था। लेकिन सच तो यही है कि बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगकर ही खाया करते हैं, फिर चाहे उन्हें भिक्षा मिले या ना मिले, उन्हें सब कुछ सहना ही पड़ता है, चाहे अपने दरवाजे पर उन्हें कोई कुछ भी कह रहा हो। इसलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांतिपूर्वक उस व्यक्ति की सारी बातें सुन रहे थे और उनमें क्रोध का भाव रत्ती भर भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। और जब एक घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो अगले दरवाजे की ओर आगे चल पड़े। ये सारा नजारा मोहन और मोहन के माता पिता वहीं पर खड़े होकर देख रहे थे, पर जैसे ही वो बौद्ध भिक्षु आगे की तरफ चल पड़े, वैसे ही मोहन और मोहन के माता पिता ने उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम का पता किया और फिर उनके आश्रम की ओर चल पड़े। जब वो आश्रम में खड़े थे तभी उन्होंने देखा कि वही बौद्ध भिक्षु जो कि भिक्षा मांग रहा था और जिन्हें वो व्यक्ति खरी खोटी सुना रहा था, वही बौद्ध भिक्षु आश्रम की ओर आ रहे हैं। उन्हें देखने के बाद मोहन और मोहन के माता पिता ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी परिस्थितियां उन बौद्ध भिक्षु के सामने रख दी। उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा बेटा पहले बहुत दयालु था, निस्वार्थ मन से किसी के लिए भी काम करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सभी के लिए अपने दिल से काम करता था, खुशी खुशी काम करता था और सभी की मदद किया करता था। लेकिन अचानक इसे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इसने सबकी मदद करना ही बंद कर दी। अगर कोई इसके सामने ऐसी परिस्थिति में हो जब उसकी आखिरी सांसें चल रही हों, तब भी ये पानी तक नहीं पिलाता, और अब ये इतना बदल चुका है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे बेटे के अंदर भला ये बदलाव कैसे हुए हैं। ये सब मोहन के माता पिता उन बौद्ध भिक्षु से बता ही रहे होते हैं कि अचानक वही व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास आता है, उनसे माफी मांगता है और कहता है कि हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे बेटे को बड़ा ही तेज बुखार है और लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही इसकी मदद कर सकते हैं, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरी मदद कीजिए। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही दयालु थे, उन्होंने तुरंत ही उन्हें माफ कर दिया और उस बच्चे का उपचार करने लगे। कुछ देर बाद औषधियां देने के बाद वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। यह सब देख वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे फिर से क्षमा मांगी और फिर अपने बच्चे को लेकर वो वापस अपने घर की ओर चला गया। यह सब मोहन देख रहा था और मोहन को ऐसा लगा मानो जैसे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहचान ही नहीं रहे हों। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, लग रहा है शायद आपने उस व्यक्ति को पहचाना नहीं, ये वही व्यक्ति था जो आपको कुछ देर पहले खरी खोटी सुना रहा था, जो आपका अपमान कर रहा था, और उस व्यक्ति ने आपको भिक्षा भी नहीं दी थी। लगता है आपने उसे पहचाना नहीं, नहीं तो आपने उसकी मदद कभी नहीं की होती। यह सुन वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं कि दूसरों का अच्छा करते वक्त कुछ परिस्थितियों में हमें दुख उठाना पड़ता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ जाते हो तो तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद स्पष्ट और साफ हो जाएंगे। मैं तो
सिर्फ उस व्यक्ति को जानता था जो मेरे पास आया था, जिसके बेटे को कुछ कष्ट था और मेरा कर्तव्य था कि मैं उसका इलाज करूं। बस मैंने वही किया। जब आप किसी की भलाई कर रहे होते हैं और आपके मन में कोई लालच नहीं, कोई द्वेष नहीं या फिर कोई बदला नहीं है, तभी अच्छा है। लेकिन अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में ये भावना होती है कि हमने उसकी मदद की है, बदले में वो भी हमारी मदद अवश्य करेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जरूरत पड़ने पर जब वो हमारी मदद नहीं कर पाता है या फिर नहीं करता है, तो उस वक्त हमें बड़ा ही दुख होता है, हमें बड़ी ही तकलीफ पहुंचती है कि हमने बुरे समय पर उसका साथ दिया था, उसकी मदद की थी, लेकिन वो हमारे बुरे समय पर हमारी मदद नहीं कर रहा। और जब ऐसा होता है तो हमारे मन को एक बहुत ही गहरी ठेस पहुंचती है और उसके बाद हम बड़े ही चिंतित हो जाते हैं, दुखी रहने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि जब तुम किसी की मदद कर रहे हो तो अपने मन में ये भावना कभी मत रखो कि तुम उसकी मदद कर रहे हो तो बदले में वो तुम्हारी भी मदद करेगा। और किसी की भी सिर्फ उतनी ही मदद करो जितना कि तुम्हारा सामर्थ्य हो, यानी कि तुम्हारी शारीरिक और आर्थिक क्षमता के अनुसार तुम उसकी मदद करो। अगर कल को वो व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी करता है तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ना ही तुम्हें कभी पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने उस इंसान के लिए इतना कुछ किया और मेरे साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए तुम दूसरों की सिर्फ उतनी ही मदद करो जितना कि तुम कर सकते हो। और दूसरी बात, कभी किसी दूसरे परिवार के झगड़े में ना पड़ो। जैसे कि अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हों, दोनों आपस में मारपीट कर रहे हों और उस वक्त तुम वहां पर पहुंच जाते हो उस औरत की मदद करने के लिए, तो तुम संकट में पड़ सकते हो, क्योंकि वो औरत ये उठकर कह सकती है कि ये हमारे आपस का मामला है, हम इसे निपटा लेंगे, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, और तब तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। और कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो तुम इसकी शिकायत कर सकते हो, पंचायत तक इस बात को पहुंचा सकते हो, तब पंचायत ही इसका फैसला करेगी। तीसरी और बहुत ही जरूरी बात कि मदद करने से पहले तुम्हें यह जान लेना आवश्यक है कि किसको वास्तविकता में मदद की जरूरत है और किसको नहीं, क्योंकि लोग आजकल लाचार होने का दिखावा करते हैं, दया का पात्र होने का दिखावा करते हैं और आपको अक्सर ही बेवकूफ बना देते हैं और आपसे मदद भी ले लेते हैं, जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा, हर जगहों पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे में हमारे मन में एक दया का भाव उत्पन्न होता है कि ये छोटे बच्चे भला क्यों भीख मांग रहे हैं, अगर हम इन्हें भीख नहीं देंगे तो शायद ये बच्चा भूखा रह जाएगा, और अगर हम इन्हें भीख दे देते हैं तो यहाँ पर भीख मांगने को एक बढ़ावा जैसा देना होगा। इसलिए ऐसी स्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें कि क्या उस बच्चे को वास्तविकता में भीख देनी चाहिए या फिर नहीं। आप चाहें तो उसके बदले में उस बच्चे को खाना खिला सकते हैं, अच्छे कपड़े दिला सकते हैं, अच्छी किताबें दिला सकते हैं और उसकी अच्छी खासी मदद भी कर सकते हैं। इस तरह से आप उसे एक अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसकी सही और सटीक मदद भी कर रहे हैं। और अगर आपने उसे भीख दी तो शायद उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं होगा, जिससे हो सकता है कि आपको भी बुरा लगे। यहां पर एक बात और समझने की है कि अगर आप किसी की भलाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक अच्छाई पैदा करनी होगी, अपने आप को एक अच्छा और भला इंसान बनाना होगा। जब आप एक अच्छे और भले इंसान बन जाएंगे तो आपका नजरिया भी
अच्छा और भला होगा। और इसी तरह से ये पूरा संसार अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं पाल लिया कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो आपको बता दूं कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, ऐसा कहकर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए दूसरों को बदलने से अच्छा है कि सबसे पहले आप अपने आप को बदलें, अपने अंदर वो बदलाव लाएं जो सच में ज़रूरी है। इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेले रहना सीखना होगा। आपके मन में वो शांति, वो भलाई और वो अच्छाई होनी चाहिए। आप सबके साथ होते हुए भी लेकिन अंदर से एकदम एकांत हैं। आपका मन बिल्कुल शांत है, अंदर से आप बिल्कुल मौन हैं। और जब आप अपने अंदर के एकांत को महसूस कर लेते हैं, तब आपकी एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। आप अपने अंदर के उस एकांत का, उस शांति का अनुभव करने लगते हैं, उसका आनंद उठाने लगते हैं और धीरे धीरे आप ध्यान में उतरने लग जाते हैं। इसलिए आपको आपकी इस रोजमर्रा की भाग दौड़ वाली जिंदगी में एकांत को यानी ध्यान को जगह देनी जरूरी है। इसे भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना जरूरी है। और आप जैसे जैसे ध्यान में उतरते जाएंगे, उस एकांत को अनुभव करते जाएंगे, वैसे ही वैसे आप ये अनुभव भी कर पाएंगे। जो आनंद, जो शांति आपको एकांत में मिलती है, ध्यान में मिलती है, वो दुनिया के किसी भी भोग में नहीं है, इस दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है, काम वासना में नहीं है। जिस तरह से नदी के किनारे पर पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर भी धीरे धीरे कट कट कर मुलायम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार निरंतर ध्यान करने से हमारा मन भी निर्मल, स्वच्छ और साफ हो जाता है। उसके बाद ही हम इस दुनिया में हर चीज को महसूस करने लग जाते हैं, इस दुनिया की प्रकृति को, खुशी को और इस दुनिया की सुंदरता को। और इसी के बाद आपको वर्तमान में जीने का असली अर्थ भी समझ में आने लगता है। और ध्यान के निरंतर अभ्यास से हमारे मन में वो करुणा, वो दया जाग उठती है जो कि बिल्कुल निष्पक्ष है, जो किसी से भी जुड़ी हुई नहीं है, जो किसी भी वस्तु या फिर विशेष से बिल्कुल अलग है। इसलिए आज से ही अपने मन की इस यात्रा को शुरू कर दें, ध्यान करना शुरू कर दें। अपने लिए दिन में थोड़ा सा ही समय निकालें, लेकिन उस वक्त अपने आप को पूरा समय दें। क्योंकि दोस्तों, ये जीवन बहुत ही छोटा है, न जाने कब हमारा आखिरी बुलावा आ जाए। तो जीवन के जो भी पल बचे हुए हैं, जो भी क्षण हमें और जीने हैं, क्यों न हम इसमें उस आनंद की प्राप्ति कर लें, उस सुकून और उस एकांत को महसूस करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।